और इसमें भैया देखिए रेटर लगा RGB, इसका एक और फीचर देखा आपको, इसका तो ढक्कन यहाँ से निकाल सकते हो। ये निकाला ढक्कन, लाइट ही लाइट भैया, दिवाली वाली लाइट, दिवाली आए भाई। ये रहा मॉनिटर हमारा, ओपन होने जा रहा है। अंकित भाई आपके खोलने जा रहे हैं, देखिए 32 इंच का मॉनिटर है, 2K मॉनिटर। तो भाई आज का ये बिल्ड है हमारा महमूद अली राजस्थान से, और इनके बड़े भाई का नाम है मिस्टर वाहिद। बहुत अच्छे दोनों भाई हैं। वाहिद भाई से मेरी बहुत बहुत बात हुई है, सीकर राजस्थान। सीकर से कौन कौन बिलोंग करता है या राजस्थान से कौन कौन बिलोंग करता है कमेंट में आप लोग बताओ। सीकर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? दिस इज शराब खान अंकित कुमार शर्मा, द मास्टर माइंड ऑफ कीपिंग मैनेजमेंट। और आज का वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। मिस्टर पीसी वाले लोकेशन लखनऊ हजरतगंज, ठीक। तो नया पीसी बाय करना है, इनका नंबर दिया है। तो भाई आज का बिल्ड ये 2 लाख रुपए का बिल्डर, 2 लाख रुपए में उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे लूटा इनको आपको बताते हैं। सबसे बड़ी चीज 2 लाख रुपए में, इसमें दो चीज बहुत जबरदस्त यूज होती है, 3 चीजें जो हमको पर्सनली बहुत पसंद है। पहले चीज तो पहली बार हमारे चैनल में ये 240 mm का RGB कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर यूज हो रहा है, जिसका हेडर बहुत यूनिक है, आपने कमिंग अप में देख ही लिया होगा। दूसरी चीज ये मॉनिटर LG अल्ट्रा के 32 इंच का भाई साहब, फुल HD 2K 144Hz × 1440p। हाँ, 144Hz 1 ms पे डिस्प्ले है, 32 इंच का मॉनिटर अल्ट्रा के में यूज हो रहा है। प्लस तीसरी चीज जो हमारी सबकी फेवरेट आई भाई साहब, Asus का मदरबोर्ड B450 मदरबोर्ड है, लेकिन ऑडियो स्टिक्स है 5800 प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो भाई को नया पीसी बाय करना, अंकित नंबर वहां पे दिया है, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट जल्दी इसको बिल्ड करते हैं, ठीक ठीक। और पलिवर चैनल पे आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2 लाख रुपए बजट का है, फुल पीसी है, 1000 रुपए खाली कीबोर्ड माउस की कमी है बस। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट को बताएंगे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होना। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे, पलिवर आए हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो भाई लोग ये रहे कंपोनेंट, ये देखिए ये कंपोनेंट्स 2 लाख के बिल्ड में यूज होना। सबसे पहले कैबिनेट यूज हो रही है, कैबिनेट थर्मलटेक की V250 TG ARGB, यहाँ से इनका गत्ता हल्का सा ब्रेक है, तो टेंशन मत लेना, कैबिनेट अंदर सही सलामत है, ठीक है। ये कैबिनेट यूज हो रही है, जो कैबिनेट आती है प्राइस की बात करें कम से कम मांग चलो अब अप्रॉक्स 5500 के आसपास ये कैबिनेट आपको मिलती है। और उसके अलावा जो उसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है AMD Ryzen 7 5800X, ये देखिए ठीक है, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर यूज हो रहा है, फुल सील्ड पैक प्रोसेसर रखा हुआ है आपका, सारा सामान है। और ये प्रोसेसर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि भाई को ऐसा काम है गेमिंग स्ट्रीमिंग और एडिटिंग वेडिंग करनी थी, और नेक्स्ट जेन का प्रोसेसर चाहिए था, तो हमने कहा भाई ये ले लो बात करें प्रोसेसर की, तो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती अराउंड 38,000 से लेकर 40,000 के बीच में। उसके अलावा इसमें एक पीछे लग रहा है XPG का ARGB वेंटो 120 ARGB फैन लग रहा है पीछे, और ARGB फैन इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 900 से लेकर 1000 तक। उसके अलावा इसमें लग रही है XPG SX 6000 Pro 256GB NVMe, और सील दिखाई हमने भैया, देख लो सब सील पैक है, ये देखो सील पैक सब सील नंबर, इसके रीड स्पीड है अप टू 2100 Mbps, राइट है अप टू 1500 Mbps, ठीक है। और ये गड़बड़ी कर दी बच्चों ने यहाँ पर रखी है 256GB, जबकि इसमें लग रही है 512GB, सूफी ये हटाओ 512GB लाओ। तो भाई सॉरी ये गलत है, मतलब सेल नंबर ये नहीं होगा, सेल नंबर दूसरा होगा। लाओ भाई सूफी साहब NVMe चेंज करो जल्दी से फटाक से। तो भाई लोग ये देखिए 512GB NVMe है हमारी SX 6000 Pro 512GB, इसकी सेल नंबर ये रहा, ठीक आप देख लीजिएगा। तो ये NVMe इसमें यूज हो रही है, उसके अलावा प्राइमरी स्टोरेज में यूज हो रही है, और सेकेंडरी स्टोरेज में इसमें लग रही है WD 1 TB की 7200 RPM की हार्ड डिस्क। तो सोचो खाली भाई साहब 3 और अराउंड 4-7 हज़ार रुपए के आसपास तो खाली स्टोरेज में लग रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा मदरबोर्ड इसमें यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है Asus का ROG Strix B450F Gaming 2 मदरबोर्ड, बहुत वेटेड मदरबोर्ड। सॉरी भाई लोग फोन आ गया था बीच में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो भाई साहब ये रहा इसका सील नंबर, और ये रही इसकी सील, देखिए फुल सील पैक है, 4 RAM स्लॉट का मदरबोर्ड है, ROG का यहाँ पे लोगो है, जिसमें RGB लाइट है, मतलब बहुत जबरदस्त मदरबोर्ड है B450 के सेगमेंट का। अंकित क्या कहते हो, B450 के सेगमेंट का सबसे मजबूत मदरबोर्ड है ना, सबसे धासु? नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी भी ब्रांड में B50 में इससे बेस्ट मदरबोर्ड आता होगा। ये लोग भी जानते हैं, हमें सब जानते हैं भैया, सच बता रहा हूँ आपको, B450 में इससे बेस्ट मदरबोर्ड आता ही नहीं है किसी, ना ही आंसू से छोड़ो किसी कंपनी में नहीं आता है। अगर आता हो आपको लगता हो कि, हाँ अगर आपको पता लगता हो कि B450 सीरीज में इससे बेस्ट मदरबोर्ड हो तो बताओ। कोई बोले कि MSI कार्बन प्रो AC ज्यादा अच्छा है, हाँ आप बता देना, ठीक।
तो भाई ये मतलब यूज होता है, कॉस्ट की बात करें अराउंड 13,000 लेके 15,000 के बीच इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है। उसके अलावा इसमें लग रही है 16 GB की दो रैम XPG D30 फुल सीड पैक, ये देखिए। अब आप में से कई लोग कहोगे कि भैया ये रैम 8 GB क्यों नहीं यूज की, तो मैंने महमूद से बात की, उसने बोला मुझे 8 GB से मतलब नहीं है, मेरा जितना पैसा बच सके 8 GB में भाई उतना पैसा बचा देना, मुझे 8 GB 5 GB हैवी खूबसूरत वाली लुकिंग कैबिनेट नहीं चाहिए, मुझे अपना पैसा सिर्फ परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करना है, ठीक। तो प्राइस की बात करते हैं तो अराउंड 8-9 हज़ार के आसपास, 8 हज़ार के आसपास एक स्टिक पड़ती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे कंपोनेंट के पड़े होंगे, आप जाके वहां चेक कर लेना। उसके अलावा जो उसमें देखिए ग्राफिक कार्ड लग रहा है, वो लग रहा है कलरफुल का G4 RTX 3060 Battle X 12 GB DDR6, ठीक। और इसका सील नंबर ये रहा, और इसमें सील बाहर नहीं होती है, इसमें सील होती है अंदर कार्ड में। दिखाते हैं आपको, देखो एक बार दिखा देते हैं आपको मैं ऐसे ही, बाकी फ्यूचर में अभी आगे तो अंकित खोल के दिखाएगा आपको। देखो आप ये खोलोगे तो ये देखो, जैसे आप कलरफुल का कार्ड लेते हो तो ये इसका पेपर वर्क, और ये रखा है GPU, और इसमें भैया सील होती है अंदर, ठीक है। ये लगी है सील, और सब सील नंबर वगैरह सब इसको यहीं कहीं लिखा होगा, ये इसके यहाँ भी सील नंबर लिखा होता, ठीक है। महमूद अपने कार्ड से सील नंबर वगैरह सब चेक कर लेना, टेंशन ना लेना, अरे चेक करने की तुमको जरूरत नहीं, टेंशन ना लेना भाई लोग, आपका भरोसा कभी आपका भाई टूटने नहीं देगा, जान दे देगा लेकिन कभी आपका भरोसा टूटने नहीं देगा, आपको ईमानदारी से एक एक चीज देंगे हम। हाँ सामान बिकेगा तो सील पैक ही जाएगा आपके पास, विद नॉट इम्पोर्टेड इंडियन परचेजिंग का सामान आएगा आपके पास, ताकि आपको वारंटी में इशू ना हो। जो इम्पोर्ट का सामान होता है ना भाई लोग, उसमें जो है वारंटी नहीं मिलती है, जो इम्पोर्ट का सामान क्या होता है लोग बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर से मंगा के इंडिया में बेचते हैं, तो उसका सेल नंबर वैलिड नहीं होता सर्विस सेंटर में, कभी भी आप लोगे मंगे लो कोई आदमी सस्ता दे रहा है तो उसमें से देख सस्ता दे रहा है, अच्छा है ये चीज मत देखना। हाँ तो और इसकी पहचान होती है, अब देखो जैसे पहचान आपको पता है, ये ग्राफिक कार्ड है, तो ये ग्राफिक कार्ड कहाँ गया इसका, वो आपको दिखाएंगे अभी, मैं देखिए बिल में पड़ा होगा, दिखाते हैं आपको कि इंपोर्ट कहाँ से हुआ है। ये जो है इंपोर्ट किया राशि पेरिफेरल्स इंडिया है ना अंकित, हाँ कलरफुल जो कार्ड आते हैं इंडिया में वो राशि पेरिफेरल्स ही जो है आपके सेल करता है, तो उन्हीं लोगों ने इसको वो किया है, ठीक है। तो आप कभी भी इनका सेल नंबर लेके जाओगे वारंटी के लिए, आपको वारंटी मिल जाएगी, इम्पोर्ट प्रोडक्ट में वारंटी कभी नहीं मिलती है, इसीलिए इम्पोर्ट प्रोडक्ट हमेशा सस्ता मिलता है। कई लोग हमसे कहते हैं कि भैया दिल्ली में एक मार्केट है बहुत पॉपुलर, मुंबई में बहुत मार्केट पॉपुलर है, वो सस्ती दे रही है वो, तो भैया आपकी जिम्मेदारी, आपका सामान, आपका पैसा, क्यों हमारा काम है आपको सचेत करना, आपको बताना कि भाई देखो ये चीजें भी होती हैं, तो थोड़ा सा वो होके कीजिएगा, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी, बहुत मतलब जरूरी क्या यार, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। उसके अलावा देखिए जो उसमें कूलर मास्टर का ये लग रहा है AIO, वो 240 ML 240 R 8 GB लग रहा है AIO, ये देखिए इसका मतलब रेटर अलग, अभी अंकित खोलेगा तो आपको दिखाएगा। प्राइस की बात करें तो ये महंगा आता है, 1000 रुपए ऊपर आता है ML 240 V2 8 GB से। उसके अलावा 650 वाट की देखिए इसमें SMPS लग रही है, फुल सील्ड पैक, ये देखिए सब सेल नंबर वगैरह यहीं पड़ा होगा उसका, ये देखिए ठीक। और उसके अलावा इसमें 32 इंच का 32 GB 650 Hz 144 Hz AMD FreeSync QHD मतलब 2K पैनल और 2K IPS पैनल का मॉनिटर इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा सामान देखिए इसमें यूज हो रहा है। अब हम दिखाते हैं फटाफट करते हैं इसको बिल्ड, और आप देखते जाइए।
सो भाई लोग पीसी अपना रेडी हो गया है और मैं आपसे शुरू से एक बात कहता हूं कि 5000 से लेके 5500 के बीच में अगर कोई कैबिनेट राज करती है तो वो यही है कैबिनेट जिसका नाम है थर्मल टेक V250TG। भाई साहब सॉलिड कैबिनेट है, चाहे आप लुक वाइज देखिए इसको, चाहे किसी भी पर्पज से देख लीजिए, क्या जबरदस्त कैबिनेट है। और बिल्ड बन के कैसा आया ये देखिए, महमूद नाम है ना इसका, महमूद भाई बोलना पड़ेगा भैया, भले हमसे छोटे हैं लेकिन भाई बोलना पड़ेगा। और इसमें भैया देखिए रेटर लगा RGB, इसका एक और फीचर देखा आपको, इसका तो ढक्कन यहाँ से निकाल सकते हो, ये निकाला ढक्कन, लाइट ही लाइट भैया, दिवाली वाली लाइट, दिवाली आए इसको लगा दो अपने द्वार पर, देखो लाइट ही लाइट और ये ढक्कन लगा हुआ है। ठीक, अब कुछ लोगों को पसंद आएगा भैया, लेकिन हमको पर्सनली ये ठीक लगा, कुछ को पसंद आएगा कुछ को नहीं आएगा। ठीक, RGB लगाया है, कलरफुल का लोगो देखिए यहाँ, मतलब जो लिखा हुआ कलरफुल उसमें लाइट है, उसमें उधर ROG में लाइट, टॉप पे उस पर फैन पे लाइट, कैसा लग रहा है ओवरऑल बिल्ड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, ये देखिए केबल मैनेजमेंट कैसा लगा V250TG का, ज़बरदस्त है। और उसके अलावा जो भी है आपके सामने सिस्टम कैसा लग रहा है, अब हमारा बचा है ये मॉनिटर LG अल्ट्रा गेयर 32GK 650 है, इसको ज़्यादा अनबॉक्स करते हैं दिखाते हैं आपको। ठीक, ओवरऑल सिस्टम कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक, देखिए इसके फैन के कलर्स थोड़े अलग अलग टाइप के हैं, ये देखिए भाई साहब 5,000 से 5,500 बजट है आपका, आप आंखें बंद करके हमारी रिकमेंडेशन से इस कैबिनेट पर जा सकते हैं, हमसे लिए किसी से लिए कोई हेडक नहीं, जो सच है वो बता रहे हैं आपको, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी कैबिनेट है इस बजट की। सो भाई ये रहा मॉनिटर हमारा, अभी ओपन है, यहां भाई ये रहा मॉनिटर हमारा ओपन होने जा रहा है, अंकित भाई आपके खोलने जा रहे हैं। देखिए 32 इंच का मॉनिटर है, 2K मॉनिटर, तो भाई लोग देखो सिस्टम हमारा खुला है, ये देखो थार का हथौड़ा निकल आया है, ये लगेगा इसमें और कंपोनेंट निकलते हैं इसके साथ साथ, सब अंकित निकाल के रख लिए हैं, ढक्कन वक्कन निकलते हैं। ठीक, और ये है इसका पंजा, पैर मुर्गे का पैर, और सब केबल भी निकलेगी, अभी असेंबल होगी आप देखना। तो भाई ये देखो हमारा हेलीकॉप्टर खुल चुका है, देखो पहले तो ये ऊपर नीचे होता है साला, इस साइड होगा और ये घूमता भी है भैया। और क्या होता है कि सही करो इसको, ऐसा नहीं होता है, नहीं यूं करके वो दिखाओ एंगल इसका, और ये न्यू भी हो जाता है आगे, हाँ ये देख लो। ठीक, ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर 32 इंच का है। ठीक, ये रही इसकी पावर केबल, ये सब लगाते हैं हम लोग, उसके बाद आपको एक मिनट। सो भाई लोग बिल्ड कैसा लगा बताना, 32 इंच का 2K मॉनिटर, फुल HD पैनल, 144Hz 1ms का मॉनिटर लगा है, और ये रहा बजट। अब आप लोग मुझे पता है यही बोलोगे भाई 3060 दिए इतने कम बजट में, 2 लाख में तो आप 3080 दे देते थे, भाई सारे कंपोनेंट के प्राइस देखो क्या क्या लगा है, कितने कितने उसका लगा है, तो कोई नया पीसी बाय करना हो तो अंकित का नंबर ये आप इस कोने में दिया, प्लीज़ आप उसको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे उसके पास मैसेज आएगा, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, और कोई अगर उस पर बिना रिवर्ट आ रहा हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर दीजिएगा मैसेज, DM कर दीजिएगा, मिस्टर PCL का ऑफिशियल पेज है हमारा, राइट में आ रहा होगा, इस तरफ पेज आ रहा होगा मिस्टर PCL ऑफिशियल पेज, उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको आपका रिवर्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ऐसे ही PC बिल्ड होते रहते हैं हमारे चैनल पे, कोई और देखना हो तो आई बटन में या एंड स्क्रीन में कहीं कितने ये सोफी में डाली दिया होगा, देख चेक कर लिएगा। सो आज के लिए इतना ही, ऑलवेज उसका भी खुशी सेफ रहिए, ऐसी दोस्ती बनाए रखिए, जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, सी यू इन द स्टूडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अंकित कहाँ है, अंकित हम यहाँ शूट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर आए हमारे वहाँ से बाहर से, तो इसीलिए अंकित उनके पास बैठा हुआ, उनको बात कर रहा हूँ उनसे, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। ठीक है भाई,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। एंड इसका नाम क्या था सूफी, इसका बच्चे का महमूद अली, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन उनके बड़े भाई वाहिद भाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको आपके नए पीसी के लिए। उम्मीद करते हैं पीसी अच्छा चलेगा, कभी कुछ नहीं होगा। बाय बाय।